शिवराज जाए कांग्रेस के साथ, भाजपाइयों में मचा तहलका, मोदी शाह के उड़े होश। बताते चले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों लंदन में एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया है तथा अमेरिका यूरोप जैसे राष्ट्र इसे चुपचाप देख रहे हैं। राहुल के इस बयान को लेकर भाजपा ने उन पर जमकर धावा बोला है। भाजपा की यह मांग है कि राहुल विदेश में दिए अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। वही राहुल गांधी का बोलना है कि उन्होंने हिंदुस्तान के विरुद्ध कोई भाषण नहीं दिया है। राहुल गांधी के बयान पर अब भाजपा के कद्दावर नेता एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। इसी के साथ राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए सीएम शिवराज ने कहा, मुझे लगता था कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। उनकी मानसिक उम्र 5 वर्ष के बच्चे से भी कम है। इस बार उन्होंने एक विदेशी भूमि पर हमारे राष्ट्र की आलोचना की है। वह एक सच्चे भारतीय नहीं है, मुझे उनके भारतीय होने पर संदेह है। वही सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए एक पुराना किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार मैं अमेरिका गया था, वहाँ मुझसे तब के पीएम मनमोहन सिंह के बारे में पूछा गया। मुझसे वहाँ लोगों ने पूछा कि क्या मनमोहन सिंह कम उपलब्धि वाले पीएम है। मैंने उसका उत्तर नहीं में दिया। मैंने कहा, मनमोहन सिंह हमारे पीएम तथा हमारे राष्ट्र के गौरव है। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।